यूजीसी नेट जून 2014 का क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये देखिए, एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज इन एबीसी नेट। यस, ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी रिलेशन है अगर उसके पास सिर्फ दो एट्रीब्यूट है, ये रिलेशन है, और अगर उसके पास सिर्फ दो कॉलम है, तो हमेशा क्या होगा, BCNF के अंदर होगा। तो ये तो क्या है, ट्रू। अ रिलेशन इन विच एवरी की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट इज इन 2NF। अगर कोई भी रिलेशन है और उसके पास एक ही एट्रीब्यूट है, तो वो 2NF के अंदर होगा, ट्रू। ओके, अ प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की इन 3NF। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए 2NF की क्या कंडीशन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे एंड यूज कर रहा हूँ। इफ अ प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडिंग ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा होगा, अगर आपने कोई की निकाली है कैंडिडेट की, सुपर की, उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट टेक पार्ट करें उनको हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे, और की निकाली उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा है, टेक पार्ट नहीं कर रहा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी, ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन होल्ड हो रही है तो टेबल 2NF में नहीं होगी। 3NF की कंडीशन देखिए, लेफ्ट साइड में अगर कैंडिडेट की है या सुपर की है, और राइट हैंड साइड के अंदर कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ पे कंडीशन और। ओके, तो ये किस में होगी टेबल, 3NF के अंदर। या अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन तो होनी चाहिए अगर कैंडिडेट की सुपर की है लेफ्ट हैंड साइड में, ये या राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वो टेबल क्या होगी, 3NF के अंदर। या अगर टेबल के अंदर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, तो वो टेबल 3NF के अंदर नहीं होगी। BCNF की कंडीशन देखिए, BCNF की कंडीशन है कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा या तो सुपर की होगी या कैंडिडेट की होगी, राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो टेबल किसके अंदर होगी, BCNF के अंदर। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की इन अ 3NF। देखिए प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, डिपेंडेंट है की एट्रीब्यूट के ऊपर, यस, तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अ प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की इन BCNF, नहीं, BCNF के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, चाहे प्राइम एट्रीब्यूट हो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में या तो कैंडिडेट की होनी चाहिए या सुपर की होनी चाहिए, तो डी वाला आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, डिटेल के अंदर वीडियो आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा जल्दी, तो प्लीज वहां जाके आप नॉर्मलाइजेशन टॉपिक पढ़ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।